मुंगेर खगड़िया के बीच बने श्रीकृष्ण सेतु पर खुला पुलिस पिकेट। पुल पर हो रही सड़क दुर्घटनाएं और अवैध कारोबारी पर रोक लगाने के लिए उठाया गया कदम। एसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने दी जानकारी। दरअसल मुंगेर खगड़िया के बीच गंगा के बीचों बीच बने श्रीकृष्ण सेतु पुल पर सुरक्षा को लेकर मुंगेर एसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा पुलिस पिकेट खोला गया है। पुलिस पिकेट में अभी कुल 6 बिहार पुलिस जवान एवं 4 होमगार्ड जवान को तैनात किया गया है। इधर श्रीकृष्ण सेतु के समय पुलिस पिकेट खुल जाने से अब रात में यात्री करने वाले यात्री बिना डरे और भय के बीच अपनी यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि मुंगेर खगड़िया के बीच गंगा के बीचों बीच बना श्रीकृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन इसी वर्ष केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पहुंच पथ का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के एक सप्ताह के बाद से इस पुल में सड़क दुर्घटनाएं में काफ़ी इजाफा हो गया। वहीं श्रीकृष्ण सेतु पुल के पहुँच पथ चालू होने के बाद से अवैध रूप से बालू एवं अवैध हथियार की तस्करी में भी काफ़ी वृद्धि हो गया था। इसके अलावा इस पथ से शराब की कारोबारी में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गया था। वहीं अवैध कारोबार के साथ पुल पर सड़क जाम एवं सड़क दुर्घटनाएं में अंकुश लगाने के लिए एसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा श्रीकृष्ण सेतु पुल पर पुलिस पिकेट खोला गया है। पुलिसकर्मी नए आए हैं तो उसके चलते हम लोग नया नया पिकेट खुले हुए हैं, जो चेकपोस्ट खुले हुए हैं, जैसा मुंगेर खगड़िया जो पुल बना है श्री कृष्ण से, तो उसमें एक चेकपोस्ट खोला गया है। दूसरा एक हमारा डीजीपी सर के यहाँ आदेश, एक वज्रा यूनिट काम करता है जो गिरफ्तारी में और लॉ एंड ऑर्डर में मदद करता है। तीसरा है कि हमारा जो सदर अस्पताल में एक सुरक्षा का डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए हम लोग एक 10 फोर्स संख्या में दिया गया। और ट्रैफिक में फोर्स पहले कम था, अभी हमने फिर 30 संख्या उसको बढ़ा दी है ताकि यातायात का नियंत्रण मुंगेर में बढ़िया हो जाए। और उसके अलावा नया जो सरकार के द्वारा जो स्टार्ट किया गया ये डायल 112 112, तो उसमें भी हम उसके तहत 6 गाड़ी मिला हुआ है और अलग अलग थाना में उसको दिया गया है, वो भी बेहतर काम कर रहे हैं। अस्पताल में दिया है, हाँ अस्पताल में जो सुरक्षाकर्मी दिया गया है। और अगर देखेंगे तो पहले से भी वायरलेस एक्टिव यहाँ हमारे जिला में एक्टिव है, कोई घटना होता है तो आपको कोई सूचना देगा, कुछ अगर कुछ तो 5 3 मिनट में तो 5 मिनट में आपको 3-4 गाड़ी आ जाएगा, उस टाइप का हमारे यहाँ सिस्टम है।